और हमारे पुत्रगण और नौजवान साथी, आप सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ कि इतने दिनों तक आप इस लड़ाई को लड़ रहे हो, बनाइए इसकी वीडियो, लेकिन हम भी इतने दिन तक डायन बन पाए हमारी मजबूरी थी। खेड़ी जो प्रधरना पर जो किसान बैठे थे 45 दिन तक, उनकी आवाज न उठाने खातर और सरकार न बुझाने खातर हम भी साल में प्रदर्शन करने लायक रहे थे, बड़का ने जोड़ने लाए रहे थे, जमींदारों ने बड़का ने समझाने लाए रहे थे के हमारे माँ बाप उड़ा धरना में बैठे हैं और अपना मुआवजा रोक रखा है। लेकिन 29 अप्रैल ने हमने इसार में प्रदर्शन कराया था, कम से कम 400-500 बालक थे उसमें, उस तो सरकार के ऊपर दबाव बनाया और 30 तारीख ने सरकार ने डिसीजन लिया और 1 तारीख ने प्रियंका सोनी जो इसार की मौजूदा डीसी है उसने खेड़ी चोपड़ा धरना में पहुंच के मुआवजे की घोषणा करी। लेकिन आपने मामनु बताना यहाँ आज आपने झूठी दिलासा दिलाने को नहीं आया, कोई फॉर्मेलिटी मारने को नहीं आया कि भाई राजनीति चमका जाएंगे दो बार बोल के ना। आज यह बात कहना है यहाँ जय सरकार नहीं मानती तो 20 दिन हो गए आज बैठे ना, इतनी नहीं मानती तो आप लोग फैसला ले हो। इसार जो डीसी ऑफिस सचिवालय है उसने घेरते हो तो उसने घेरो, चंडीगढ़ विधानसभा जो कुछ मतलब जो भी कहा घेरना है उसने घेरते हो तो उसने घेरो। मैं हमसा था इसार में 4 कॉलेज है, जाट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, डीएन कॉलेज है, एफसी कॉलेज है और 2 विश्वविद्यालय है, जीजेयू है और एचयू है, सारे छात्र है। आप तो पहले आप एक बार घोषणा करो केरण की आपने सारे छात्र रोड़ा पर मिलेंगे क्योंकि हमारे बैठे है यह सरकार बड़ी चलती की इस गांव की गौशाला नुए चलती रहो, इस गौशाला ने घोषणा कर रखी है किस्मत जो रखी का चंदा होगा उस तरह गांव में हॉस्पिटल खोला जाओगा, लाइब्रेरी खोली जाओगी। क्या सरकार नहीं चाहती कि इस गांव के बालक पटे अपना इलाज कराए, या गांव या सरकार नु दावा है कि ये जो रुपये है ये पूंजीपतियां का दावा है, ये किस तरीके से दावा है, नु दावा गांव में जो बीमार आदमी हो उसका गांव की गांव में इलाज नहीं हुआ है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके ये इलाज करवाओ, या सरकार नुए जाओ गांव में हॉस्पिटल नहीं बनाए, ये बालक है ये बाहर जाके इन रूम लेना पड़ा है, गांव में लाइब्रेरी नहीं खुला है, तो उसका पूंजीवादी जो लोग हैं उनकी पूंजी बना है, तो ये गरीब जो लोग हैं इनका पूंजीवादी व्यवस्था का नीचा मार के ना गुलाम बनाएंगे ना सारी जिंदगी गुलामी में कटवाना चाहवा है। बाकी बात हमारे जो बड़े भाई है नवीन जैन जी उनने बताया दिया है, हम इनकी बात का भी समर्थन करते हैं और आप लोग जो फैसला लोगे पूरा जमींदार छात्र संगठन है और अन्य छात्र संगठन भी उन हम लेके आओगे जी आपके साथ में, एक बार आप घोषणा करो ओडा में ये सारी गांव ने लेके चल लेंगे, उनका गेट को बहन जाए देख लेंगे भाई साहब ने तो हमें धर्म साहब ही जानते हो, तो आप जो फैसला लोगे जी हमने मंजूर है, हम आपके साथ में। धन्यवाद जी।